से बड़ी खबर का तो प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। कांग्रेस की बैठक के बाद उनका यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस दरमियान कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, जीतू पटवारी ने कहा है। और ऐसे में आगे पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसको लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ यहाँ पर पार्टी आगे रोड मैप तैयार कर रही है उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। तो कांग्रेस की ये बैठक जो है कई मायनों में खास रही। और 23 के चुनाव की तैयारी, 23 के चुनाव की तैयारी, इन सब बातों को लेकर विस्तृत कार्य योजना, जिसमें आंदोलन है बेरोजगारी के खिलाफ, जिसमें अनियमितताएं जितनी भी यूथ के साथ होती है उनका परिपेक्ष है, किसान के हालात और आर्थिक बदहाली सबसे प्रमुख मुद्दों में से है, और महंगाई जिससे सब परिवार के लोग ग्रसित हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके का मध्य प्रदेश 17 साल में बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कारणों से हमेशा चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की आर्थिक बदहाली की, इन सब बातों पर विस्तृत बातें हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला चुनाव कांग्रेस एकजुटता से लड़ेगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के हित के लिए, जो बार बार मैं कहता हूं, उस भावना को सर्वसम्मति से हम सब परिवार के लोगों ने, कांग्रेस के जितने सीनियर नेतागण हैं, जितने परिवार के जो मंत्री उनके साथ रहे वो, और लगभग एक भाव सबका, फिर से मध्य प्रदेश की आवश्यकता है, फिर से कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, संगठन के चुनाव। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है कि अगला जो भी चुनाव होगा कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, और क्या कुछ बैठक में खास रहा? बिल्कुल, देखिए लंबी बैठक चली, लगभग 3 घंटे देर शाम तक ये बैठक कमलनाथ के लड़ा जाएगा, जहां कांग्रेस एक तरफ खुश है कि किसी वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन मिलेगा, वही अभी अभी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि दूल्हा बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी सहरा उनके सिर बांधा जा रहा है। दरअसल पूरा जो विपक्ष विरोध कर रहा है, जो सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है, विरोधी दल विरोध कर रहे हैं कमलनाथ के नेतृत्व का, वो इसीलिए तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ की उम्र को लेकर यहां पर मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीजेपी भी कह रही है कि 77 साल की उम्र में, 77 की उम्र में कमलनाथ कांग्रेस के नेतृत्व मध्य प्रदेश में आखिर कैसे संभालेंगे और क्या वो उतने एक्टिवली काम कर पाएंगे जितना कोई युवा नेता कर सकता है। मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस खुश है। कांग्रेस के तमाम लीडरों ने कल बैठक की थी और सारे लीडर इस नाम पर एक राय नजर आए हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही अगले चुनाव होने चाहिए। एक राय बनने के बाद जीतू पटवारी ने यह बयान मीटिंग से बाहर निकलने के बाद दिया है और अब तय है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस अगला चुनाव विधानसभा का अगले साल लड़ेगी। मायनों में ये बैठक खास है। ये ब्रिजेश बने रहिएगा, और ऐसे में जिस तरीके से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस अब अगला चुनाव लड़ने वाली है, बैठक में कई यहां पर रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई है, कई मसलों को लेकर विचार विमर्श हुआ है, और ऐसे में पार्टी के आगे क्या कुछ रणनीति रहती है उसको लेकर भी चर्चाएं की गई है। तो कांग्रेस की बैठक के बाद जीतू पटवारी का बयान सामने आया। जीतू पटवारी मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगे जो भी चुनाव लड़ेगी वो कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी, और ऐसे में जीतू पटवारी का ये बयान सामने आया। और आपको बता दें कि इस बैठक में जो है 2023 को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है, आगे पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी उसको लेकर भी चर्चाएं की गई है। तो कांग्रेस की बैठक के बाद जीतू पटवारी मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगला जो भी चुनाव होगा कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो हमारे सहयोगी ब्रिजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रिजेश, इसी के साथ इस बैठक में 2023 पर भी मेन फोकस रहा है, क्या कुछ ब्लूप्रिंट रेडी किया गया? बिल्कुल, देखिए 2023 को लेकर ही तमाम बैठक थी और तमाम किस तरह अगले एक साल का रोडमैप है वो तैयार किया गया है। दरअसल तय यह किया गया है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे तमाम जनता से सीधे रिलेवेंट करने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान पर जाएगी। ग्राउंड एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएंगी, धरना प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता का जुड़ाव जो है वो कांग्रेस की तरफ किया जाएगा। दरअसल महंगाई लगातार बढ़ रही है तरन्नम, और ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है, और अगले चुनाव तक ये पूरा जो
महंगाई का मुद्दा है वो कांग्रेस जोर शोर से उठाने वाली है। क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं? तमाम जिम्मेदारी क्या इस बैठक में की गई है? अलग अलग नेताओं को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन चलाने, धरना प्रदर्शन करने और जनता से ज्यादा जवाब करने के टारगेट भी यहाँ दिए गए हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।